अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारे रमज़ान सीरीज़ का डे 5 और आज हम बनाएंगे इफ्तार में हनी चिली पटेटो। तो फिर चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने आलू ले लिए हैं, 4-5 आलू ले लिए हैं, ठीक है। और इसे ना मैंने पहले ही बॉयल कर लिया, सिर्फ एक सीटी आपको बॉयल करनी है, एक सीटी तक, और बस रेडी है। और इसे फिर कट कर लेना आपको फ्राइज में, ठीक है, छोटे छोटे कट कर लो। और बस इसके बाद क्या, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच आपको डाल देने चावल का आटा, और फिर मैदा भी डाल दो 2 बड़े चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर दो, अच्छे से कोट कर दो। और फिर क्या, बस इसे फ्राई करना है आपको, और ना आपको इसे डबल फ्राई करना है। और इसके बाद देखना क्या क्रिस्पी, क्या क्रंची बनता है ना। देख रहे हो, इसकी आवाज़ सुन रहे हो, क्या क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल मस्त सी है। तभी बनेगी, जब तक आप डबल फ्राई करोगे तभी ऐसी बनेगी मस्त क्रिस्पी सी, ठीक है। तो ऐसे ज़रूर ट्राई करना। तो आलू तो हमारे हो गए रेडी, फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम सॉस को कर लेते हैं रेडी। तो यहाँ पे पहले ना मैंने वाइट तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको रोस्ट कर लेना है, क्योंकि हमें ये डालना है अपने चिली पटेटो में। और इसके बाद हम सॉस को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच ऑयल लिया है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च और ढेर सारी चिली, क्योंकि चिली पटेटो बना रहे हैं तो चिली सॉस डाल दो, ढेर सारी डाल देनी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ना सोया सॉस डाल दो, विनेगर डाल दो, और इन सबको ना बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा केचप भी डाल देना। और फिर क्या, रोस्ट किए हुए जो हमने तिल रखे थे वो भी डाल देनी है। और हम बना रहे हैं हनी चिली पटेटो, तो यहाँ पे हनी भी डाल देनी है, ठीक है। आपको हनी डाल के फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और बस इसके बाद इसमें पानी डाल दो, और थोड़ा से इसे हमें थिक करना है, तो इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी रेडी कर रखी है। तो वो डालने के बाद ना बहुत मस्त थिक सी बन जाएगी आपकी सॉस, ठीक है। और फिर क्या, नमक डालो, काली मिर्च डाल दो, और फिर क्या, बस रेडी है हमारा सॉस। और इसके बाद ना आपका जो गैस है उसे बंद कर दो, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए आलू, और इसे मिक्स कर दो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कोट कर दो, सॉस में मिला दो। बस रेडी हो गया हमारा हनी चिली पटेटो। तो ना आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत क्रिस्पी बनते हैं बहुत, ठीक है। तो आप खाओ इफ्तार में, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे, टिल देन बाय बाय।